हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो आई विल टॉक विथ यू अबाउट प्रेजेंट टेंस। आज की वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, और जो भी न्यू व्यूअर उनको पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं प्रेजेंट टेंस पे एक काफी अच्छा सा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज क्या सिर्फ लाइक ब्रीफ में यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज आज मेरा मोटो ये कि मैंने मधुबन प्रकाशन की बुक लिया हुआ है न्यू मैजिक ग्रामर, और उसके कुछ क्वेश्चंस है, उसके कुछ एक्सरसाइजेस है, उसको सॉल्व करने का मेरा मेन मोटो है। और वहां पे आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइज को, प्रेजेंट टेंस के चैप्टर को। तो उससे पहले की ओर मैं आज एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा, तो जो रेगुलर व्यूअर्स है वो बेसिकली उन्हें मालूम होगा, आप लोग चैप्टर कंटिन्यू करिएगा। जो भी न्यू व्यूअर्स है आप इस वीडियो को देखिए, प्रेजेंट टेंस समझ में आ गए तो अच्छी बात है। लेट सपोज अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहीं मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आइदर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहां पे आपको टेंस नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ टेंसेस। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं ये मालूम होना चाहिए। So present tense means that the tense when we talk about present, present मतलब कि वर्तमान, the work which is going on, वो काम जो चल रहा है वर्तमान में है, उसी को हम बोलते हैं क्या, present tense का वाक्य होना। अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो present tense has four kinds। यहां पे first kind में बात करूं that will be indefinite, I will write in short form। The next is continuous, then after perfect, and the last one is perfect plus continuous। So ये चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, that present tense has four kind। The first is present indefinite, you should learn it, आपको इसे learn करना होगा। Then present continuous, even I am doing one thing, इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ so that आप properly notes भी इस पे बना सके। मैं detail थोड़ा सा आपको knowledge दे ही देता हूँ। सो प्रेजेंट टेंस में पहला जो आपका हो जाएगा दैट विल बी इंडेफिनिट। व्हाट, इट विल बी इंडेफिनिट। एंड द नेक्स्ट विल बी कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। द थर्ड इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, सो the first thing which you are supposed to learn is that present tense has four kind। The first is present indefinite, then present continuous and present perfect and present perfect continuous। Then aap logo ko yahan pe kuch cheeze aur basic malum hona chahiye jo ki aapko learn karna hai ki present indefinite tense ki helping verb kya hoti hai। So helping verb of this one will be do and does। Present indefinite ki helping verb kya hoti hai, do does hoti hai, isse aap yaad kariyega। And the next one is, am, are। It means that present continuous की helping verb क्या होगी, it will be is, am, and are। And third number has and have, means that present perfect what will be the helping verb, you will say sir has and have। Now at the end for perfect continuous I will say has been, and the next is have been। So all these are the helping verb। ये क्या है, helping verb है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है। सो क्या हमें दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं, किसको कब यूज कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वी यूज डू विथ प्लूरल नाउन, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, यानी जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, इन दैट सिनेरियो वी आर सपोज टू यूज डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर सपोज टू यूज डस। हम किसका यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इज एम आर। सो हियर जस्ट लाइक द सेम इस कहां पे हमने यूज करना है, सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, जहां पे एक सब्जेक्ट की यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात होगी, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, इज यूज करना है। आर का यूज करना है प्लूरल नंबर, बहुवचन, यानी जहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, इन दैट प्लेस वी आर सपोज टू यूज आर।
बात करें एम की, तो एम का यूज ऑलवेज आई के साथ होगा, आई एम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इन प्रेजेंट परफेक्ट हैज का यूज सिंगुलर के साथ, यानी कि किसी एक वचनकर्ता के साथ, यानी जहां पे किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात होगी तो हम हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संख्या एक से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे क्या यूज होगा, हैव। लाइक द सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पे क्या होना है, हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अभी आपको पहले ये लर्न करना है, लर्न करने के बाद सेकेंड स्टेप पे आपको जाना है, किसी भी सेंटेंस में होता है फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि टेंस के काइंड्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है, चेंज करता है। तो आपको यहां पे याद कर लेना है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है, देन यू विल से सर हियर वी आर सपोज टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहां पे आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होती है, ये आपको याद करना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंटिन्यूअस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सो हियर वी यूज आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी भी रूट वर्ड में आईएनजी लगा देने से वो आईएनजी फॉर्म बन जाती है, जैसे कि वर्ब का आईएनजी हो जाएगा वर्किंग। ऑलराइट, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, तो यू विल से सर आईएनजी। नाउ हियर इज द नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आप लोगों को ये सारी चीजें रट लेनी, ठीक है। जब तक आप याद नहीं करेंगे कोई भी इसका मतलब निकलने वाला बेटा नहीं, आप कितनी लेक्चर्स क्यों ना अटेंड कर लो, सो यू नीड टू गिव टाइम टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। सो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम ऑफ टाइम, अगर कहीं तो आपको थर्ड फॉर्म ना रहा हो तो आप एक ट्रिक लेके चलिए कि आपको ईडी अप्लाई कर देना, मैक्सिमम जो वर्ड्स है अराउंड 80-90% ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे गो एंड गॉन, इन सभी को आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो यहां पे आपने क्या करना है, फिर से आईएनजी फॉर्म अप्लाई करना है। सो अभी आपको क्या क्या याद करना है बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज, प्रेजेंट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब डूडस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो हो गई कुछ डिटेल्स की बातें, अब थोड़ा सा कुछ बेसिक पे चलते हैं, डीप नॉलेज में चलते हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए, अच्छे से सुनिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कहां पे होता है, कहां पे इन सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, कहां पे हम बोलते हैं। सो ऑलवेज याद रखिएगा कि वो सेंटेंसेस जहां पे आपके रेगुलर रूटीन की बात हो, किसकी बात हो, रेगुलर रूटीन की बात हो, जैसे कि वह रोज सुबह पढ़ने जाता है, मेरे पिताजी रोज सुबह चाय पीते हैं, वह मेरी बात नहीं मानता है, मेरा दोस्त मुझे समझाता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आपका जो हिंदी में जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ता है का बने, किसका एक्सप्रेशन बने, ता है का अगर एक्सप्रेशन बन रहा है इन हिंदी, इन दैट सिनेरियो यू आर सपोज टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वहां पे जो फॉर्मेशन होगा डू डज वाला होगा। जैसे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं, क्या आपके फादर आपको आपको गिफ्ट देते हैं, सो डज योर फादर, देखिए हमें डू डज का फॉर्मेशन चल रहा, चूंकि करते हैं देते हैं, ओके। सो ऐसे कोई अगर सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं इन दैट टाइम यू आर सपोज टू यूज इंडेफिनिट टेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स द वर्क विच इज स्टिल गोइंग ऑन, जो वर्क अभी भी चल रहा है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कोई काम जारी है, कोई काम अभी भी चल रहा है। आप किचन में गए, किचन में आपकी मम्मी अभी नाश्ता बना रही है, यानी नाश्ता बनाने के काम प्रोसेस में है, तो आप ये नहीं कि मदर डज कुकिंग या कुक, नो, वो तो हो जाएगा मम्मी खाना बनाती है वगैरह वगैरह, ओके। तो बना रही है, तो जहां पे हिंदी में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, देखिए यहां पे आपको लर्न करना है, वेयर एवर वी विल गेट द एक्सप्रेशन इन हिंदी रहा है, रहा एक एक्सप्रेशन अगर हिंदी में मिल रहा है, सो इन दैट टाइम यू विल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना है, सेंटेंस इज एम आर विद आई एन जी फॉर्म यूज करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग यू, ऑलराइट।
सो यानी जहां पे कोई काम चल रहा होगा वो काम वर्किंग में होगा तो वहां पे हम बोलेंगे हियर वी आर सपोज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऑलराइट एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स होता है परफेक्शन, यानी कोई चीज कंप्लीटली हो जाना. अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें यानी कि वो काम जो फिलहाल में ही खत्म हुआ हो, कुछ देर पहले ही फिनिश हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट सपोज आपके ट्यूटर ने, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको कोई वर्क दिया कंप्लीट करने के लिए, ही इज सिटिंग देयर, वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप वो काम को फिनिश कर देते हैं, आपने उस क्वेश्चन को कर लिया यानी आपने तुरंत ही किया है, तो आप टीचर से क्या बोलेंगे सर आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन. तो ये सेंटेंस कहां है देखिए, वो आपने हैज और हैव का इस्तेमाल किया, इट मींस दैट सेंटेंस विल बिलोंग्स टू परफेक्ट. ओके, तो कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे ट्रेन आ गई है, लेट सपोज आप स्टेशन पे हैं, ट्रेन तुरंत ही आई है, कुछ देर पहले ही आई है, ज्यादा गैप नहीं हुआ टाइम का, सो यू विल से दैट सेंटेंस विल बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट. वहां पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है दैट द ट्रेन हैज अराइव्ड. ऑलराइट एवरीवन. सो परफेक्ट मींस क्या होता है, वो हिंदी में सिनेरियो जहां पे आपको हिंदी में एक्सप्रेशन मिले चुका है, मींस इट विल बी, अगर फीमेल रहेगा तो चुकी है, प्लूरल होगा तो चुके हैं, तो ट्रेन आ चुकी है, पापा ऑफिस जा चुकी है, यानी कि काम फिलहाल में ही हुआ है. ठीक है, सो इन दैट टाइम हिंदी में एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, चुके हैं, एंड दिस सेंटेंस विल बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट. समटाइम्स आपको एक और फॉर्मेशन मिलता है, लिया है का फॉर्मेशन, मैंने अपना काम कर लिया है. मैं इसे दो तरीके से बोल सकता हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, आइदर आई मे से मैंने अपना काम कर लिया है. सो ये बोथ द सेंटेंस विल बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ थर्ड पॉइंट की बेटा बात करते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन कि यहां पे मैं कुछ साउंड लिख रहा हूं, आर ई एन ए प्लस है, तो कभी कभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको ये एक्सप्रेशन भी हिंदी में मिल जाता है, जैसे कि मेरा दोस्त आ गया है. सो लुक, यहां आ गया, आ का साउंड है, देन आफ्टर एट द एंड वी आर गेटिंग है, देन ट्रेन चली गई, देखिए ई का साउंड है, चली गई है. सो ये हमें भी एक्सप्रेशन मिलेगा, मेरे दोस्त आ गए, यहां पे देखिए ए का साउंड आ गया, गए हैं. सो समटाइम्स यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, समटाइम्स दिस, समटाइम्स दिस. सो आपको ये तीनों को दिमाग में रखना है, इट में भी चुका है, इट में भी लिया है, आइदर इट में भी आर ई ए विद है, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, देन दिस सेंटेंस विल बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट. चलिए लास्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखिए हिंदी में एक्सप्रेशन की बात करें तो एक चीज यहां बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट का जो हिंदी एक्सप्रेशन होता है वो रहा है होता है. आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे अगर आपने दिमाग में क्लिक किया हो कि सर अभी आपने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है का एक्सप्रेशन आ रहा है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू. ऑलराइट, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या है. अब चलिए डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा है के साथ आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा, एडिशनल क्यू मिलेगा टाइम का. इफ आई विल इंक्लूड टाइम अलोंग विद दिस एक्सप्रेशन, यानी कि कोई काम जारी हुआ स्टार्ट है और उसमें टाइम भी मेंशन कर दिया गया, देन यू विल से दैट दैट पार्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर मैं बोल रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो लुक दिस सेंटेंस विल बी पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट अगर मैं बोलूं मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, सो लुक हियर मैंने क्या किया, हियर आई हैव यूज्ड टाइम 10 मिनट्स. ओके, वो 10 मिनट से खेल रहा है, वह एक घंटे से खेल, देखिए अगर मैं बोलूं वह खेल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह एक घंटे से खेल रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वह सो रहा है, इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट वह सुबह से सो रहा है, टाइम मैंने मेंशन कर दिया, सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो आई होप ये सारे एक्सप्रेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे. सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली, अगर आपको टेंस में, ग्रामर में वाकई एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं. सो लेट मी रन ऑल दीस थिंग, थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं मधुबन प्रकाशन की न्यू मैजिक ग्रामर बुक का प्रेजेंट टेंस रिवीजन का एक चैप्टर है. ठीक है, उसे हम लोग आज प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे. हाँ, कुछ चीजें आपको देखनी, जो मेजर चीजें मैंने आपको बता दिया है,
एक पॉइंट याद रखना है, जब कभी हम इन सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, आइदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंसेस को देख रहे होंगे, बेटा होगा क्या, सॉरी, जहां आपको सेंटेंसेस के कुछ काइंड्स मिलेंगे, अफर्मेटिव, देन आफ्टर नेगेटिव, सम टाइम्स इट मे बी इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव हैज दो टू काइंड्स, द फर्स्ट इज सिंपल इंट्रोगेटिव एंड देन आफ्टर इज डबल इंट्रोगेटिव. वेल, हम यहां पे बात करेंगे स्पेशली अफर्मेटिव. सो व्हाट हैपेंड, कभी भी हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर में ढाल रहे होते हैं, सो व्हाट हैपेंस, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन आफ्टर मेन वर्ब विथ फॉर्म. ऑल राइट एवरीवन, विथ फॉर्म इज फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी हम लोगों ने सीखा, प्लस ऑब्जेक्ट आइदर अदर वर्ड, कुछ भी कह सकते हैं. सो मेरा इसको बताने का मेन मोटो ये था, जब अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ये क्या है, ये यूनिवर्सल रूल है. कैसा रूल है, यूनिवर्सल रूल है. बट अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, बेटा किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और वो अफर्मेटिव है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव, इसको नोट करके लिखना है. तो जैसे ही अफर्मेटिव केस हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने क्या सीखा भी यहां पे, डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है. बेटा यहां पे जो डू डज यूज करना चाहिए था, वो डू डज हम यूज करना बंद कर देते, यानी डू डज का इस्तेमाल नहीं करते. ऑलराइट एवरीवन, किसमें, अफर्मेटिव केस में, यानी कि हम सब्जेक्ट बात कहां जाएंगे, डायरेक्टली मेन वर्ब में आ जाएंगे. और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सब्जेक्ट यहां पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे क्या सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पे जो भी वर्ब आप मान लीजिए वर्क मिल जाता है, ठीक है, उसमें आप यस या फिर यस अप्लाई कर देते हैं. क्या अप्लाई करते हैं, किसी को डिटेल में चाहिए होगा इसका लेक्चर तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहां पे आपको टेंस नाम के फोल्डर में सब डिटेल विद एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा. आई होप इतने में आपको समझ में आ गया होगा. इन शॉर्ट मैं आपकी रिविजन के फॉर्म में बता दूं, जैसे नेगेटिव होगा, नेगेटिव में जो डू डज हम अफर्मेटिव अभी तक नहीं लगा रहे थे, ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मेशन बनेगा सब्जेक्ट, देन आफ्टर डू ऑब्लिक डज कोई भी यूज करना है, देन आपने यूज करना है नॉट, देन आफ्टर एमवी. अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने मेन वर्ब में बोला था जब डू डज हट गया था, डू डज जब हट गया था तो मेन वर्ब में हमने यहां पे एस या ईएस लगाया था, और जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज आ जाएगा बेटा, तो यहां पे हम नॉट लगाएंगे, और वर्ब में जो एस ई एस यहां पे लगता था यहां पे नहीं लगाएंगे. चलो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देंगे. ऑलराइट, तो वैसे इस डिस्कशन के पे हम लोग क्लोज करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे मधुबन प्रकाशन बुक का जो एक्सरसाइजेस है उनको लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज पेज, तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है प्रेजेंट टेंस रिवीजन. तो देखिए, उसका मैंने पहले लिया हुआ है, कंप्लीट दिस प्रोवर्ब विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रेजेस. तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा. स्टूडेंट्स प्लीज बी रेडी विथ योर बुक, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा बिकॉज कई सारे एक्सरसाइजेस हैं एंड आई वॉन्ट कि कम से कम समय में आप लोगों को मैक्सिमम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो खैर फ्रेजेस हैं आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये आप लोग रट भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, बिकॉज दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. सो देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर दिया गया एक्शन. ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैच करना, जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट विल बी हियर, स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स. ऑलराइट एवरीवन, नाउ सेकंड नंबर, एन एप्पल अ डे, हियर द बेस्ट ऑप्शन विल बी कीप्स द डॉक्टर अवे. ऑलराइट एवरीवन, नाउ थर्ड वन, चैरिटी. जहाँ पे आप लगे स्पीड में हैं, आप बाद में वीडियो को प्ले करके पाउज करके भी देख सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं. ओके एवरीवन, सो नाउ थर्ड नंबर इज सेइंग दैट चैरिटी, सो चैरिटी बिगिंस एट होम. आप क्या फिल करेंगे, ये बहुत ही अच्छा पोएम वो फ्रेज भी है. सो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ पे इसको आप फिल कर लेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज सेइंग दैट एवरी पिक्चर सो टेल्स अ स्टोरी. ये फ्रेज है, ये भी आपको जो है प्रोवर्ब है, ये याद करना चाहिए. सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई स्टिच इन टाइम सेव 9. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेव 9, हियर इज द ऑप्शन. देखिए, ये भी आपको यहाँ से स्पेलिंग चेक करके आप इसको फिल कर सकते हैं. नाउ द सिक्स नंबर इज सेइंग दैट गुड फेंसेस, यहाँ पे जो प्रोवर्ब ये होता है, आगे आप ऐड करेंगे मेक गुड नेबर्स. क्या ऐड करेंगे आप यहाँ पे, मेक गुड नेबर्स. नाउ हियर द सेवन नंबर इज दैट हेस्ट मेक्स वेस्ट. ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब भी है, इसको आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं.
एंड द लास्ट वन आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, बहुत अच्छा ये प्रोवर्ब भी सबको पता होगा, इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखिए बी नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है बेटा, यानी कि आपको बस ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो ब्रैकेट में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसमें आपको एस ऐड कर देना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो सब्जेक्ट यहाँ ब्रैकेट में दिया गया उसे एज इट इज़ आपको फिल कर देना है, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए रॉनी किसी का नाम है, सिंगुलर है तो यहाँ पे लर्न है, तो लर्न में आपको एस ऐड करके यानी लर्न्स आपको ब्रैकेट में फिल करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेबल वेंडर इन आवर एरिया। यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर्स निकल वेंडर है तो यानी सेल है, सेल में भी आप एस ऐड करेंगे तो इट विल बी सेल्स। ओके नाउ द नेक्स्ट इज द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हियर ऑप्शन इज टेक सो यू विल से टेक्स, यानी हियर ऑल्सो यू विल एड एस। द फोर्थ नंबर सर्टेन प्लांट्स, प्लांट्स देखिए प्लूरल हो गया है, यानी कि अब आपको सर्वाइव जो ब्रैकेट में लिखा है सेम वर्ड को आपको लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। द फिफ्थ वन द शी, शी मतलब एक लड़की की बात चल रही है तो यहाँ परफॉर्म में एस ऐड करना है, इट विल बी परफॉर्म्स। ओके एवरी वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्स, इट इज सेइंग दैट आई फील शी, तो देखिए यहाँ पे शी फिर से आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा शी नोज एस, चूंकि शी यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही, माई ग्रैंड माँ मेरी दादी माँ यानी सिंगुलर की बात चल रही है, यानी वेक, वेक में फिर से आपको ऐड कर देना है एस, यानी कि बन जाएगा वेक्स। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, एट नंबर में इट इज सेइंग दैट दे, बेटा मैं आपको बता दूँ देख प्लूरल प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे गो को आप एज इट इज फिल कर देंगे, यू विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ चेंज इन दिस। नाउ द नाइन्थ नंबर इज हियर द टाइम दैट यू, यू इज ऑल्सो अ प्लूरल प्रोनाउन स्टूडेंट्स, यू भी एक बहुवचन प्रोनाउन होता है बेटा, तो यहाँ पे वेस्ट का वेस्ट ही लिखेंगे, एस आप ऐड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे यू क्या है प्लूरल प्रोनाउन है। नाउ द सी सेइंग दैट द न्यू शॉप, शॉप की बात हो रही, शॉप्स तो है नहीं, प्लूरल तो है नहीं, यानी कि सिंगुलर है तो ऑफर में आपको बेटा ऑफर्स करके यानी एस ऐड करके आंसर फिल कर देना है। चलिए चलते हैं सी नंबर की तरफ, सी नंबर देखिए क्या कह रहा है, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड द वर्ड इन रेड व्हाट हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि देखिए इसमें करना क्या है कि आपका एक स्टेटमेंट दिया गया द बर्ड फ्लाई अवे टू सम वार्म लोकेशंस इन विंटर, तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है वेयर ऐड करके, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट वाला तो सॉल्व ही है, अब सेकंड मैं बोल रहा हूँ, हाँ जिसको कोई भी लेट्स कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर लिखिएगा, बैक कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली करिएगा, बट यहाँ पे मैं स्पीड में थोड़ा सा चलूँगा। सो क्वेश्चन बेटा यहाँ कह रहा है कि द चिल्ड्रेन लर्न म्यूजिक इन देयर स्पेयर टाइम, तो चिल्ड्रेन स्पेयर टाइम पे अपना म्यूजिक लर्न करते हैं, तो व्हाट से, तो व्हाट से यहाँ क्वेश्चन जो है हमें बनाना है, किसे बनाना है सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है व्हाट से। ओके सो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा व्हाट डू द चिल्ड्रेन लर्न इन देयर स्पेस सॉरी स्पेयर टाइम, क्या हो जाएगा व्हाट डू द चिल्ड्रेन लर्न इन देयर स्पेयर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट डू आपको अप्लाई कर देना है एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। द थर्ड इज सेइंग दैट नव्याज अंकल विजिट देम एवरी ईयर इन डिसम्बर, तो वैन से क्वेश्चन बनाना है तो यानी कब विजिट करते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे वैन डज, क्या बोलेंगे बट आई एम रिपीटिंग राइट इट डाउन प्रॉपरली, वैन डज नव्याज अंकल विजिट देम ईच ईयर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ओके नाउ द फोर्थ इज सेइंग दैट अतुल फाइंड्स द न्यू नेबर्स फ्रेंडली, हाउ से क्वेश्चन बनाना है, तो फ्रेंडली हटा देंगे, हाउ को हमें लगाना है, कैसे लगाएंगे हाउ डज, हाउ विल राइट हाउ डज अतुल फाइंड द न्यू नेबर्स, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो इन दिस वे ऑल द क्वेश्चंस हैड बीन डन ऑफ दिस पेज, लेट्स गो टू द अनदर पेज। सो नाउ हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड क्वेश्चन नंबर फोर विल बी कंटिन्यूड एंड हियर इज फाइव ऑन द सेम क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए दिया गया शी कंसीडर्स लियोन मेसी एज हर आइडियल, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन में किसका यूज करना है हुम का। सो यहाँ पे हम बोलेंगे हुम डज शी कंसीडर एज हर आइडियल, क्या बोलेंगे हुम डज शी कंसीडर एज हर आइडियल। नाउ द नेक्स्ट इज ही टेक्स हिज मदर्स हेल्प फॉर हिज मैथ्स वर्क, तो मैथ्स वर्क के लिए अपनी माता की मम्मी की हेल्प लेती हैं, तो लेता है तो यहाँ पे हुज है, तो हुज मतलब किसका होता है, तो यानी मदर मदर को हटा देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे
हुज हेल्प, क्या बोलेंगे बेटा, हुज हेल्प डज ही टेक फॉर हिज मैथ्स वर्क, क्या बोलेंगे, हुज हेल्प डज ही टेक फॉर हिज मैथ्स वर्क, दिस वन ऑल्सो हैज बीन डन. नाउ द सेवेंथ वन इज हियर, इट इज सेइंग दैट आई एम सपोर्टिंग इंग्लैंड इन दिस मैच. तो यहाँ पे विच समय क्वेश्चन बनाना है, तो विच कंट्री, व्हाट विल से, विच कंट्री आर यू सपोर्टिंग इन दिस मैच, व्हाट विल बी द आंसर, विच कंट्री आर यू सपोर्टिंग इन दिस मैच एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. द एट्थ वन इज सेइंग दैट दे नीड 5 liters ऑफ पेंट फॉर दिस वॉल, यहाँ पे हाउ मच, तो कितना, 5 liter, 5 liter को हटाना है और क्वेश्चन बनाना है. सो वी विल से हाउ मच पेंट डू यू नीड फॉर दिस वॉल. So how much paint do you need for this wall? This will be the question of this statement. Now the ninth one, this one is saying that we should visit the dentist once in 3 months. Then be how often hame question banana hai. So yahan pe ho jayega how often should we visit the dentist? How often should we visit the dentist? The last one of this one of C number, it is saying that we are expecting around 100 guests एट द पार्टी. सो हाउ मनी यानी 100, तो 100 को हम हटा देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मनी गेस्ट आर यू एक्सपेक्टिंग एट द पार्टी. सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी एंड व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग दैट रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. देखिए बेटा हम फिर से वही ए नंबर का कॉन्सेप्ट लेंगे, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिए गए वर्ड के साथ एस अप्लाई करना है, और जहाँ पे लगे कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब एज इट इज पुट कर देना है. सो द एडल्ट फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई की बात यहाँ पे हो रही तो ले है, तो ले में आप एस ऐड करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा आपका लीज. देखिए दीज एक्स, नेक्स्ट ब्लैंक प्लीज, आपका क्या दिया, दीज एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स यानी प्लूरल नंबर है, तो यानी कि हैच यहाँ पे जो लिखा है आप हैच को एज इट इज पुट कर देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे. नाउ यहाँ पे देखिए दिया कि इन 3 days एंड द लार्वा, यहाँ पे लार्वा दिया गया है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी कम, कम में आपको एस ऐड कर देना है, इट विल बी कम्स, यहाँ पे आप लगा देंगे और आपका आंसर बन जाएगा. एंड ईच एग, बेटा कहीं पे ध्यान रखिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर ये वर्ड आपको कहीं पे भी मिल जाता है आप हमेशा समझिएगा कि उसे सिंगुलर की तरीके आपको ट्रीट करना है. सो ईच एग लिखा हुआ है तो फीड में आपको क्या कर देना है, एस ऐड कर देना है, यानी कि फीड्स आपका बन जाएगा. ओके नाउ द नेक्स्ट वन एंड अबाउट 2 week एंड, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, डेवलप्स करना है, क्यों करना है, यहाँ पे देखिए आपको ईच एग लगा हुआ है जो कि इसी का पार्ट है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेवलप लिखा हुआ है जैसे कि आपको डेवलप्स यानी कि एस ऐड करके बनाना है. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया द कैटरपिलर, ये भी सिंगुलर है, तो सिंपली आप लोगों को तो आप रट ही गया होगा, जहाँ सिंगुलर मिल जाए वहाँ दिए गए वर्ड में आप एस या ई एस ऐड कर देंगे, यहाँ पे सी एच है तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ट्विक शेड, सो यहाँ पे भी देखिए क्या दिया गया है, इट्सेल्फ, देखिए क्या दिया, इट्सेल्फ हैड डाउन टू कन्वीनियंट ट्विग, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे शेड क्या बन जाएगा, शेड्स बन जाएगा, आपको एस ऐड कर देना, तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे सिंगुलर ही है. इट आउटर स्किन, जहाँ के भी इट लग जाए, इट हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा इट का मतलब सिंगुलर होता है, तो बिगिन लिखा तो बिगिन में बेटा आप एस ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा बिगिन्स. So in this way, this one also has been solved, and all the questions of this page also I think has been solved. Yes, so next page open karte hain. Let's solve remaining questions. So students, now we are on the next page, aur hum solve karenge e number ko, and it is saying that complete the following paragraphs using the present continuous tense. देखिए हमें यहाँ पे present continuous use करना है, तो मैं आपको ठीक यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले तो जितने भी verb यहाँ पे बेटा आपको brackets के अंदर दिखेंगे सबको आपको ing form में convert करना है, यानी सबके बाद आप ing add कर देंगे. जो आपको additional ध्यान देना है कि अगर subject singular है तो is लगाएंगे, प्लूरल है तो r लगाएंगे, और i है तो m लगाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए v एक बहुवचन यानी प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे वी आर, और स्टडी क्या बन जाएगा, जो मैंने आपको गाइडलाइन दिया कि स्टडिंग आईएनजी फॉर्म लगा देंगे. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया, देखिए द टीचर, द टीचर का मतलब क्या है, ये सिंगुलर की बात चल रही है, यानी द टीचर के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और जो ब्रैकेट में टीच वर्ड लिखा हुआ है बेटा इसे आप कर देंगे टीचिंग. ओके एवरीवन,
देखिए वी फिर से आ गया है, वी अभी अभी मैंने आपको बताया कि बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो यानी वी के साथ आपको क्या करना है, आर लगाना है और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है लर्न उसे कर देना है लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स देखिए लिखा है यानी प्लूरल है, यानी कि साथ में आपको क्या लगाना है, आर लगाना है और फाइंड में आपको आई एन जी एड करके बना देना है फाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया मिसेस शर्मा आवर टीचर, मिसेस शर्मा की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा सिंगुलर नाम, नाउन की बात चल रही है तो इज लगाएंगे और एक्सप्लेन को बेटा आपने कर देना है एक्सप्लेनिंग और इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए शी एक सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है बेटा, तो सी के साथ इज ही लगना है और गिव का बन जाएगा गिविंग। सो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने ई नंबर को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एफ नंबर, एंड व्हाट इज इट सेइंग, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यूज द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि सेंटेंस में देखना है अगर बेटा दिए गए सेंटेंस में ता है का एक्सप्रेशन आएगा हिंदी में तो हमें डू डस का यूज़ करना है या फिर एस या एस वर्ब में केवल ऐड कर देना है, और रहा है का एक्सप्रेशन आएगा तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा, वहाँ पर हमें यूज़ करना होगा आई एन जी फॉर्म विथ एज एम आर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ नंबर को, जहाँ पहला दिखा दिया गया माई ब्रदर डैज दिस सॉन्ग वेरी मच, तो यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर, मेरा भाई इस गाने को पसंद कर रहा है, नहीं बोलते हैं पसंद करता है बेटा, देखिए तो करता है यानी कि ता है का एक्सप्रेशन आ गया और माई ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या करेंगे लाइक को बेटा हम बना देंगे लाइक्स, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया ही डैश वर्क्स इन चाइना नाउडेज, सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी विल राइट वर्क्स, क्या लिखेंगे वर्क यानी एस ऐड कर देंगे। नाउ द थर्ड वन वी डैश फॉर अवर लंच, यहाँ पे देखिए आई एन जी फॉर्म आ रहा है तो वी के साथ आप क्या लगाएंगे बेटा आर लगाएंगे, यानी कि हम लंच करने के लिए जा रहे हैं तो वी आर और गो बन जाएगा आई एन जी यानी गोइंग, वी आर गोइंग फॉर लंच नाउ। द नेक्स्ट फोर्थ वन इट इज सेइंग दैट आई ऑलवेज, देखिए मैं विजिट करता हूँ तो क्या हो जाएगा तो आई ऑलवेज विजिट हो जाएगा। देखिए हम इसे ध्यान रखिएगा कि आई के साथ बेटा आप लोग कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ फिफ्थ नंबर इन दिस फोटो वी डैश वॉलीबॉल, इस फोटो हम लोग क्या खेल रहे हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा वी आर प्लेइंग, व्हाट विल बी द आंसर वी आर प्लेइंग, प्ले को आई एन जी बना देना है। नेक्स्ट सिक्स नंबर यहाँ पे हम सिंपली आई प्ले क्या करेंगे, हम आई प्ले आई को मैंने अभी भी आपको बताया कि आई के साथ एस या इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा आई प्ले टेनिस एवरी डे, मैं डेली टेनिस खेलता हूँ। सिक्स नंबर माई फादर कांट कम ऑन द फोन नाउ ही डैश अ शोवर, यानी कि शोवर यानी कि नहा रहे हैं यानी कंटिन्यूस फॉर्म में है तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे ही इज टेकिंग, क्या हो जाएगा ही इज टेकिंग शोवर। नाउ नेक्स्ट आई थिंक दिस पेन डैश 80 रुपीज, तो यहाँ पे देखिए है क्या ये इतने का होगा तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे कॉस्ट लगाएंगे, क्या बेटा सिंगुलर नंबर की बात हो रही है ठीक है तो रहा है कि एक्सप्रेशन तो आ नहीं रहा है तो आई एन जी लगाएंगे नहीं। नाउ टेन नंबर व्हाट इज इट सेइंग आई कांट प्ले ऑनलाइन गेम्स नाउ माई ब्रदर डैश, तो माई ब्रदर इज यूजिंग तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर इज यूजिंग कंप्यूटर टू डू हिज होमवर्क। सो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेज ऑल्सो हैज बीन डन, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड यस स्टूडेंट्स आई विल रिपीट अगेन कि लेट सपोज अगर किसी को भी प्रेजेंट टेंस के किसी भी काइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आई विल सजेस्ट कि जिन्होंने भी मेरी टेंस की वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको टेंस नाम का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस टेंस के ज़रूर देख लीजिए जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज भी करना है और चैप्टर भी वर्क करना है तो पूरा हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते हैं। सो वेल लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर जी, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब इन द ब्रैकेट। चलिए पहले तो मैं आपको हिंट बता दूं कि जितने भी यहाँ पे आपके वर्ब दिए गए हैं सबको आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में बेटा चेंज करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप किस फॉर्म में चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। और हाँ एक ट्रिक दे दूँ, जहाँ कहीं भी अगर आपको थर्ड फॉर्म ना मालूम हो तो सिंपली दिए गए वर्ब में आपको ई डी ऐड कर देना है। सेकेंड नंबर में आपको अभी यहाँ पे क्या करना होगा वर्ब पहचानना होगा सॉरी सब्जेक्ट पहचानना होगा, अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिखे तो हैज़ लगा दीजिएगा और प्लूरल अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे आप हैव लगा दीजिएगा और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो देखिए यहाँ पे आई है बेटा तो आई के साथ हैव लगेगा तो आई हैव फिनिश्ड, फिनिश में आपको ईडी जोड़ना है थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट रीता, रीता सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पे आप हैज़ लगाएंगे और पैक में ईडी जोड़ के बना देंगे पैक्ड।
सैमुअल यहाँ पे नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, हैज़ लग जाएगा, और प्रॉमिस में आप ईडी जोड़ के बना देंगे, प्रॉमिस्ड, यानी कि सैमुअल हैज़ प्रॉमिस्ड। यहाँ पे देखिए वी है, वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ बेटा आप यूज़ करेंगे हैव, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन एक प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, और डिसाइड बन जाएगा डिसाइडेड। पीपल भी एक बहुवचन प्रोनाउन माना जाता है, सॉरी नाउन माना जाता है, तो यहाँ पे आपका पीपल हैव ट्रेवल्ड, और जो आपको ट्रेवल दिया गया उसमें डबल एल ई डी जोड़ के आप ट्रेवल्ड कर देंगे। नेक्स्ट जॉन, जॉन यहाँ पे एक बच्चे का नाम है, तो जॉन हैज स्टडी बन जाएगा स्टडीड, वाई को हटा के आई डी आपको ऐड कर देना है। जिसको फास्ट लगे प्लीज़ वीडियो को पाउज करिए, लिखिए फिर प्ले करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा मोटो ये नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करूँ, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। द गवर्नमेंट, देखिए जो द गवर्नमेंट है वो एक सिंगुलर बॉडी होती है, तो यहाँ पे बेटा आप हैज़ का यूज़ करेंगे, और क्योर का आपका हो जाएगा क्योर्ड। डॉक्टर्स प्लूरल, सॉरी यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है बी, सॉरी यार देखिए अभी थोड़ा सा मिस हो गया। सो द डॉक्टर्स, सॉरी द गवर्नमेंट हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज़ बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। डॉक्टर्स प्लूरल है तो डॉक्टर्स हैव क्या होगा, डॉक्टर्स हैव, क्योर का बन जाएगा बेटा क्योर्ड। शी सिंगुलर है तो हैज़, और स्पीक का थर्ड फॉर्म बेटा होता है स्पोकन, यानी स्पोकन। सो ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस पेज ऑल्सो हैज़ बीन डन। चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं एच नंबर पे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ एक जो नई चीज़ आपको मिलेगी जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था, बट हाँ मेरे टेंस की जो मैंने वीडियो जिन बच्चों को पढ़ाया था जिन्होंने देखा आई होप उनको बिल्कुल सही आ रहा होगा, और इसलिए कहूँगा कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बेटा बात करें तो उसमें हमेशा एक ऑप्शन आता है सिंस और फॉर, क्या यूज़ आता है सिंस और फॉर, तो मैं आपको बता दूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब ये हुआ जब कोई काम शुरू हुआ तो अगर काम जो है कब शुरू हुआ उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर कोई समय दिया गया है वो समय फिक्स नहीं है कि किस टाइम की बात चल रही है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो कई इन शॉर्ट बातें, अगर आपको फिर भी डाउट है तो चलिए अभी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद डाउट क्लियर ना हो तो आप मेरे प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो ज़रूर देखिएगा बेटा जिन्होंने ना देखा। और हाँ इस लिंक को अपने सारे फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करिएगा जिन्होंने जो अभी ऑनलाइन नहीं है, जिससे सारे के सारे बच्चे अपना वर्क इस चैप्टर का कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बेटा आपको यूज़ करना हैज़ बीन और हैव बीन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। सो जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा एक वचन करता होगा तो वहाँ हैज़ बीन लगाइएगा, जहाँ बहुवचन करता होगा वहाँ हैव बीन लगाइएगा। ब्रैकेट में जो भी आपको वर्ब मिलेगा उसकी आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, यानी कि उसमें सीधा आप आईएनजी ऐड कर देंगे वो सॉल्व हो जाएगा। तो मेन काम आपको करना हैज़ और हैव बीन को फिल्टर करने में। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, इट, सो इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इट हैज़ बीन, और देखिए ब्रैकेट में दिया गया रेन तो रेन बन जाएगा रेनिंग, सो इट हैज़ बीन रेनिंग। अब देखिए यस्टरडे, यस्टरडे एक फिक्स समय बेटा, तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट दिया गया आई, आई को मैंने पहले बताया कि बहुवचन मानते हैं, तो आई आपका हो जाएगा हैव बीन, क्या हो जाएगा बेटा, हैव बीन, और वर्क बन जाएगा वर्किंग। और यहाँ पे देखिए फोर ईयर्स, कौन सा चार साल कन्फर्म देखिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, एफ ओ आर फॉर को चूज करेंगे। थर्ड नंबर देखिए दे दिया गया है, दे के साथ बेटा आपको लगाना हैव बीन, क्या लगाना है, हैव बीन, वाई, बिकॉज दे यहाँ पे बहुवचन है और हैव बीन हो जाएगा, ट्राई का फॉर्म हो जाएगा ट्राइंग। अब देखिए मॉर्निंग दिया गया, मॉर्निंग एक फिक्स समय है बेटा, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं, आई, आई फिर से आ गया यानी बहुवचन आ गया, तो आई हैव बीन रीडिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग दिस बुक डैश लास्ट वीक, जहाँ कहीं बेटा लास्ट आ जाए उस हमेशा आप कंफर्म मानिएगा, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सेंस का। फिफ्थ में चलते हैं द बेबी, यहाँ पे बेबी यानी सिंगुलर है तो आप लगाएंगे बेटा यहाँ पे द बेबी हैज़ बीन, और क्राई बन जाएगा क्राइंग। चलिए देखते हैं सेंस फॉर में, तो ऑफ एन आर एक घंटे से, कौन सा एक घंटा कुछ कन्फर्म नहीं, तो यहाँ आप लगाएंगे फॉर। लास्ट नंबर सिक्स दिया गया ही डैश, ही के साथ लगाएंगे बेटा आप हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन वॉचिंग टी वी, सेंस मॉर्निंग पहले से सॉल्व है। सेवन नंबर देखते हैं दे डैश, दे बहुवचन है तो दे के साथ बेटा आपको लगाना है हैव बीन, ऑलराइट एवरीवन, दे हैव बीन, और वेट बन जाएगा वेटिंग फॉर मी। और टाइम देखते हैं टू आवर्स, दो घंटे, कौन से दो घंटे कुछ कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर। इंडिया
सेलिब्रेट, तो इंडिया सिंगुलर है, तो इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, ठीक है, इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग हर इंडिपेंडेंस 1945, देखे दिया गया, तो यहाँ पे लगा देंगे आप सिंस, क्योंकि ईयर यहाँ पे कंफर्म है। नाइन नंबर दिस ट्री, दिस ट्री सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे हैज़ बीन गिविंग, ऑल राइट एवरी वन, सो हैज़ बीन गिविंग अस मैंगोज, देखिए 10 ईयर, 10 साल, बट कौन से 10 साल बेटा ये कन्फर्म नहीं, तो ये आप लगाएंगे यहाँ पे फॉर। आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, देखिए क्लास फर्स्ट दिया गया जो कि कन्फर्म टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। सो स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से एच नंबर भी हो गया है, और आपके बुक का आई नंबर बचा हुआ है, सो उस फिल द ब्लैंक्स को मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए। अगर ना आए, कहीं कन्फ्यूजन आए, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, वहीं पर मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो को डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस आपके बेटा ड्रॉप हो गए हैं, तो वीडियो को आप बैक करिए, इसके बाद वीडियो को पॉज करिए, और जहाँ पे छूटा उसको देखिए, सुनिए, समझिए, और फिर लिखिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को अगला चैप्टर पास्ट रिवीजन, जो आपका लेसन नंबर 5 है, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को गाइड करूंगा बेटा कि ऑलरेडी जो लोग देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मेरे टेंस के पास्ट टेंस के वीडियो को ना देखा हो, टेंस के प्लेलिस्ट में जाए, और पास्ट टेंस के जितने भी वीडियोज़ मैंने अब तक कवर किया है सारे वीडियोज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। एक्सरसाइजेस को भी एक बार खुद से आप कवर करिएगा, पेंसिल से फिल करिएगा, और बाद में मैच करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही होते हैं मेरे आंसर्स मिलने के बाद। सो चलिए स्टूडेंट्स यहीं पे क्लास को ओवर कर दे, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।